राम राम सारियानु। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बसी ट्रेवल एंड टॉक्स, लेके आया हूँ एक नया ब्लॉग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। और हाँ, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब दोनों करके जाना, मन को बहुत अच्छा लगता है। तो पार्ट टू शुरू करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा ऋषिकेश के वो वाले रूम में जहाँ पे हमने शूट किया था। तो आओ वापस चलते हैं, चलो। ये होटल ऐसा है कि कुछ नहीं करना, ऋषिकेश जाना है, आराम करना है। जी हाँ, अगर स्टेकेशन करना है, अगर स्टेकेशन करना है आपको तो ऋषिकेश आओ। अगर कुछ भी नहीं करना, राफ्टिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना तो जब भाई आग लग गई। सीन ये था कि मैं कमरे में हूँ और मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो एकदम से असाइन बसे टूर, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा। और मतलब मैं डर गया कि पहले तो कभी हुआ नहीं होटल में, तो ये कैसे मतलब आग कैसे लगी। और मैं अपना कैमरा लेके बाहर गया तो क्या देखता हूँ, ये जो होटल का जो स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, तो क्या ही होता। तो ये सीन था। और फिर होटल के मैनेजर से हमने पूछा, रिसेप्शन से, कि क्या बात होगी, क्या मसला हो गया। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, ये फॉल्स अलार्म है, ये होता है। तो हम मतलब गेस्ट ने पूछा, ये होता रहता है, मतलब आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे 10 दिन में 10 बार होता है, मतलब लाइक सीरियसली। वो ऐसे चिल्ड आउट था कि वो, उसकी तो आदत है कि चलो जो भी रूम में कपल्स या हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी नींद बिगाड़ते हैं, चलो ये फायर ड्रिल करते हैं। अबे आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जब आया तो कोई नहीं आया। वो कहावत तो सुनी होगी, वो कहावत अप्लाई होती है इस जगह पे, इस इंसिडेंस में। मतलब इतना इतना चिल्ड आउट स्टाफ कि अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। नंबर वन ये था। नंबर टू ये था, हम उसी दिन निकलने लगे। और निकलने लगे तो सबसे पहले हमने खाना पीना सब कुछ था वो कर लिया था। तो निकलने लगे कि यूपी का, यूपी की गाड़ी, दो यूपी की गाड़ी। अब आपको तो पता है यूपी के लोग कैसे होते हैं, दूसरे ही राम राम वरना अपना काम तमाम, ठीक है। तो यूपी की गाड़ी थी और वो हमारी गाड़ी यूपी की गाड़ी के सामने, मतलब ऐसे लगी हुई थी, ऐसे ऐसे लगी हुई थी। तो उसकी हेडलाइट, हाँ उसकी हेडलाइट और हमारा बोनट दोनों। तो ये सीन, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, आधा घंटा, 50 मिनट हो गए, सॉरी 1 घंटा हो गया, वो बंदा आने को राजी नहीं, मतलब बंदा आने को राजी नहीं। फिर हमने सब कुछ करके देख लिया, होटल के मैनेजर को बुला के देख लिया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें निकलना है। और गुड़गांव से ऋषिकेश का था 4.5 घंटे, ऋषिकेश से गुड़गांव का था 3 घंटे का सफ़र विदाउट एनी स्टॉप। उस इडियट की वजह से, यूपी वाले इडियट की वजह से
समझदार नहीं कहूंगा, इडियट कहूंगा। उसने हमारा सफर करा दिया 5 घंटे का, 4-5 घंटे का सफर करा दिया उसने। तो वो आया, हमने उसको एक कमरे में गए, उसको रिक्वेस्ट करी, वो भाई साहब अपनी अलग ही चौर में, पता नहीं यूपी वालों को, सॉरी सॉरी यूपी वालों, पता नहीं यूपी वालों को क्या चौर है, क्या सोया गया यूपी वालों में, वो ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई मतलब मालूम है तुम पड़ोसी देश के हो, लेकिन हम तो दो देश पार करके जाना है ना, हमें गुड़गांवा जाना है भाई, गाड़ी निकाल लो। वो अपनी चौ दिखाने लग गया कि क्या हो गया, क्यों तंग कर रहे हो, वो अपनी चौ दिखाने लग गया। फिर किसी तरह तू तू मैं हुई, और कहता उसकी बीवी ने बोला कि अरे यार इनको जाने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो, लाइक लिटरली द यूपी गाय वॉज हरासिंग अस लिटरली। तो बस ये हुआ जो हुआ, और होटल को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 out of 3 मिर्चीज, 5 out of 3 मिर्चीज ड्यू टू दिस रीज़न ओनली। और हाँ, सोच समझ के जाना ऐसे होटल में, वो दिखाते कुछ और है गूगल में, होटल निकलता कुछ और है। वो होटल का कमरा जैसे मेरा ही कमरा है ना, मेरा ही कमरा है, वो कमरा था ये जो आपकी जो फ़ोन की जो स्क्रीन है या लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसके जितना, पोर्ट्रेट मोड पे, नहीं उससे भी आधा, उससे भी आधा, इतना 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 था कमरा। ये जो उंगली है ना, ये जो 4 उंगली है, 4 उंगली के बराबर था रूम, कि एक कदम मारो, एक छलांग मारो कमरे के अंदर, एक छलांग मारो कमरे के बाहर, तो ये था, ऐसा था रूम। और हमको बोल के रखा था कि हमने आपको स्टूडियो दिया। अरे भाई किस बात का स्टूडियो दिया है तुम लोगों ने, मैं गोवा गया हूँ, बिनसर गया हूँ, शिमला गया हूँ, मनाली गया हूँ, कुल्लू मनाली गया हूँ, स्टूडियो क्लब महिंद्रा का देखा है कैसा होता है। और अगर कोई भी क्लब महिंद्रा से देख रहा है, कोई भी क्लब महिंद्रा से देख रहा है, तो मेरे को एक बार बता दो मेल करके कि तुम्हारा इतना स्टैंडर्ड गिर गया है, कि इतने सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, इतने घटिया सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, इतने गंदे होटल में हमको ठहराया है, और वो भी स्टूडियो के नाम पे। एनीवे पता नहीं ये मेल आएगी कि नहीं आएगी मेरे को। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना। फिलहाल के लिए राम राम।